प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम अपना चौथा पाठ पानी की खोज का पठन और व्याख्या कर रहे थे, तो शुरू करते हैं। तो हमने देखा है इसका एक बार, अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है उसको एक बार आपको बता दिया जाए। एक कहानी है टीना की। टीना अपने घर के छत पे सो रही थी रात को, एक किसी दूसरे ग्रह से एक रॉकेट आता है और टीना के छत पर उतरता है। टीना उस समय अभी सो ही रही थी तो रॉकेट में से एक दरवाज़ा खुलता है और टीना के पास एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी आ जाता है। और वह प्राणी क्या करता है, टीना को बड़े प्यार से उठाता है कि जागो जागो बिटिया जागो। टीना जब उठती है वो देखती है कि अरे ये तो बड़ा है, विचित्र सा प्राणी है, अद्भुत प्राणी है। वो चौंक जाती है, डरती नहीं, क्योंकि जो टीना थी वो बड़ी साहसी लड़की थी, बहादुर थी, वो डरती नहीं। हाँ, चौंक तो जाती है कि अरे ये जीव कहाँ से आया। तो जीव बताता है कि उसका नाम तो जीटो है और वो बड़ी दूर से किसी ग्रह से आया हुआ है और उसे शुद्ध पानी की ज़रूरत थी, तो उसने देखा कि टीना छत पर सो रही है तो उसी से मांग ली जाए। तो क्या तुम साफ पानी ढूंढने के लिए मेरी मदद करोगी, तो उसने विनती की। और वो एक तरह से मेहमान भी था। किसका मेहमान? अरे टीना का मेहमान था, क्योंकि वो इस देश से नहीं कहीं दूसरे ग्रह से आया था। और कहते हैं कि मेहमान को तो पानी अवश्य देना चाहिए, और बेचारे ने पानी की मांग भी की थी। तो टीना ने सोचा कि मुझे इसकी मांग पूरी करनी चाहिए। उसने फौरन कह दिया, चलो हाँ मैं भी तुम्हें आपकी मदद करूँगी पानी ढूँढने, पानी कैसा होना चाहिए, शुद्ध पानी ढूँढने में। तो उसने टीना ने सोचा कि अरे पृथ्वी पे पानी की कहाँ कमी है, कितने नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, कुएं हैं, कहीं से भी पानी दे देंगे। और ये दूसरे ग्रह से आया जीव खुश होके वापस अपने घर चला जाएगा, उसकी मदद भी हो जाएगी। और आपको पता है मदद करना अच्छी बात होती है, अगर खासकर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप तो उसे मना तो करते नहीं। टीना ने भी वही किया, उसे मना नहीं किया। तो वो अब कहाँ गई, अब वो गई शुद्ध पानी की खोज करने के लिए जीटो के साथ। जीटो ने उसे अपने रॉकेट में बिठाया कि चलो कहाँ मिलेगा शुद्ध पानी। सबसे पहले टीना उसे ले गई एक झील के पास। दोनों उतरे, उन्होंने देखा कि अरे झील का पानी तो एकदम अशुद्ध है। जो चीज़ शुद्ध नहीं होती वो क्या होती है, अशुद्ध होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग साबुन लगा के कपड़े धो रहे थे, बच्चे पानी में खेल रहे थे और जीटो को एकदम शुद्ध जल की ज़रूरत थी, उसे एकदम शुद्ध जल चाहिए था। ऐसा जल वो लेके क्या करेगा, उसने साफ कह दिया ये पानी तो बहुत गंदा है, तो अशुद्ध है, क्योंकि लोग साबुन और अलग अलग हानिकारक रसायन इसमें डाल रहे हैं। तो टीना थी वो सोच में पड़, उसने कहा कोई बात नहीं, अब हम किसी नदी पे चलते। और फिर टीना जीटो को एक नदी के पास ले, नदी के पास उन्होंने देखा, क्योंकि नदी का पानी जो बहता रहता है तो उसको वो हमेशा साफ रहता है, झील का पानी तो एक जगह रुका रहता है, नदी का पानी बहता रहता है। तो जीटो ने फिर जांच की नदी के पानी की, उसने उतर कर जांच की तो कहा कि अरे इसमें भी बहुत से भयानक और ख़तरनाक रसायन मिले हुए हैं, क्योंकि देखो उसने ध्यान से देखा आसपास कारखाने जो थे अपना बचा खुचा रसायन नदी में ही बहा रहे थे, जिस कारण से नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ था और अशुद्ध पानी तो जीटो के काम का ही नहीं था।
जो अशुद्ध पानी था वो जीटो के काम का नहीं था। तो फिर उसने टीना को कहा, अरे ये पानी तो मेरे काम का ही नहीं, ये तो अशुद्ध है, इसमें तो आसपास के जो कारखाने हैं नदी में अपना जहरीला बचा खुचा रसायन नदी में ही बहा रहे हैं, तो इस कारण नदी का पानी भी शुद्ध नहीं रहा। अब टीना को समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो उसको पहले झील के पास ले गई जीटो को, बेचारा जीटो मेरे साथ भटक रहा है, उसके बाद मैं नदी के पास ले आई, मैंने सोचा कि नदी का पानी तो साफ़ होगा, लेकिन ये भी साफ़ नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है। तो सोचने लगी कि कहाँ साफ पानी मिल सकता है। तो उसे याद आया कि अरे उसके गांव में उसने देखा था एक कुआं, कुएं का पानी बड़ा शीतल और शुद्ध था, तो उसको वहीं ले चलते। तो जीटो के साथ भी कहाँ पहुँची, अपने गांव के उस कुएं के पास गई जहाँ पर उसे शुद्ध पानी की मिलने की उम्मीद थी। तो जीटो ने कुएं के पानी को जांचा, तो क्या हुआ, तो उसमें उसने कहा, अरे इसमें भी तो तरह तरह के रसायन मिले हैं। लेकिन टीना ने कहा, रसायन कैसे हो सकते, रसायन ये तो कुआं है, कुएं के आसपास कितनी ऊंची दीवार लगाई हुई है, इसमें कैसे पानी दूषित पानी आ सकता है, रसायन इसमें कौन डालेगा कुएं में। तो उसने बताया कि धरती के अंदर जो है जो किसान होते हैं वो रासायनिक खाद डालते हैं और कीड़े मारने की दवाई पेस्टिसाइड जिसे कहते हैं, और रासायनिक खाद को फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो किसान बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालते हैं रासायनिक खाद, और बहुत सारी कीड़े मारने की दवाई जिसे पेस्टिसाइड बोलते हैं वो काफ़ी जहरीला होता है। तो क्या होता है, जब वर्षा आती है तो वर्षा के साथ ये रसायन मिल जाते हैं, कौन, रासायनिक खाद और कीड़े मारने की दवाई, और ये रिस करके ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, रिस करके धरती के अंदर चले जाते हैं और धरती का जो पानी है उसको भी अशुद्ध कर देते हैं। तब टीना को बात समझ आई, टीना ने सोचा, अरे मेरा जो गांव का कुआं का पानी है वो भी शुद्ध नहीं रहा, अब मैं इसको कहाँ से पानी ले के आऊँ। अब टीना दुखी हो चुकी थी, अब यही हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो जब वो हैरान हो जाती है कि कुएं में पानी कहाँ से आए, ये हम पढ़ रहे हैं, यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें भला रसायन कहाँ से आए, टीना ने हैरानी से कहा। तो टीना ने कहा कि अरे इसमें तो किसका पानी है, कुएं के पानी में रसायन कहाँ से आए, तो धरती के अंदर का पानी, हमें पता है जो कुएं का पानी होता है धरती के अंदर से निकलता है, बोरवेल या ट्यूबवेल का भी पानी धरती के अंदर से निकलता है, तो उसके अंदर कौन रसायन डाल रहा है, इसके अंदर तो कोई कारखाना नहीं है, कुएं के अंदर कोई कारखाना आसपास नहीं है कि कोई उसमें पर रसायन डालेगा। तो जीटो ने समझाया, धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। जीटो ने बताया, इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है, इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाई मिली हुई है। तो उसने जांच करके बताया कि इसमें तो क्या है, इसमें खाद जो डालते हैं रासायनिक खाद और कीड़े मारने वाली जो दवा है वो मिली हुई है, तो इस कारण से ये भी शुद्ध नहीं रहा। अब तो टीना बहुत दुखी हो चुकी थी, अब टीना को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो वादा किया था, चलो मैं आपको ले चलती हूँ, आपको शुद्ध पानी चाहिए, मैं आपको शुद्ध पानी दिलवा दूँगी, लेकिन अब तो तीनों जगह पानी शुद्ध नहीं मिला, पहले वह झील में गई थी वहाँ भी पानी शुद्ध नहीं मिला, उसके बाद वो कहाँ गई थी, नदी पे गई थी, एकदम सही आपने कहा, और वहाँ भी शुद्ध पानी नहीं मिला, फिर वो कुएं पे गई थी गांव के उस कुएं पे, उसे पूरा भरोसा था कि कम से कम गांव का जो कुआं है उसमें तो शुद्ध पानी होगा, लेकिन वहाँ भी शुद्ध पानी नहीं मिला। अब टीना काफ़ी दुखी हो गई थी, दुख का कारण क्या होगा कि अगर आप किसी से वादा करते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते तो आपको दुख होगा कि मैंने कहा तो था, मैंने सोचा तो था कि जीटो को, जीटो मेहमान भी था, हमारे देश का या हमारे ग्रह का नहीं था, वो किसी दूसरे ग्रह से आया था, बहुत दूर से आया था, और उसने
मेहमान ने अगर पानी की मांग की और आप पानी ना दे पाओ तो ये दुख की बात है ना। तो टीना भी दुखी हुई। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा। अब तो टीना भी परेशान थी, एक तो दे नहीं पाई थी और वो सोच भी रही थी कि अगर इसी तरह सारा पानी अशुद्ध है तो अब मुझे पीने के लिए भी पानी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए और के लिए साफ पानी अब कहाँ से मिलेगा। वो भी परेशान हो गई, वो भी चिंतित हो गई, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या धरती पे शुद्ध पानी बचा ही नहीं है। तो जीटो ने बताया बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली, हाँ बिल्कुल, सोचो क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो। नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है, टीना चिंतित थी। तो उन्होंने कहा, टीना को बताया कि जो आपके घरों में पानी आता है, नलों में जो पानी आता है, उसको क्या किया जाता है, पानी को बड़ी बड़ी मशीनों से पहले नदियों से लिया जाता है, झीलों से लिया जाता है और उस गंदे पानी को साफ किया जाता है। आपने कभी पंपिंग स्टेशन देखा होगा तो आपको पता चलेगा ये पानी कहाँ से लिया जाता है, नदियों से लिया जाता है, झीलों से लिया जाता है और कभी कहीं कहीं तो वो बोरवेल से भी लिया जाता है। तो ये याद रखना, नदियों से भी पानी लिया जाता है, झीलों से भी लिया जाता है और कभी कभी ज़मीन के अंदर के बोरवेल से भी पानी लिया जाता है। पानी तो अशुद्ध होता है तो उसको मशीनों से साफ किया जाता है, फिर उसको कारखानों में और कार्यालय ऑफिस को कहा जाता है और घरों में भेजा जाता है। तो इसमें पानी बनाने में बड़ी मेहनत और समय लगता है। जो पानी नल का होता है उसके बनाने में बहुत समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है और तब वो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। तो इसलिए बच्चों को सीखना चाहिए कि अगर कभी कोई जो नल है अगर खुला दिख जाए तो हमें नल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस नल से साफ पानी बह रहा होता है और हम जान गए हैं कि साफ पानी बड़ी मुश्किल से तैयार किया जाता है जो हमारे घरों में आता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली, हाँ सोचो क्या तुम एक दिन भी बिना जल के रह सकती हो। नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है, टीना चिंतित थी। तो टीना ने उपाय भी पूछा। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। तो जीटो बताता है कि अब इसका क्या उपाय है, कि हमें क्या करना चाहिए ताकि धरती पे शुद्ध पानी की कमी ना हो। तो जीटो मुस्कुराकर, क्योंकि अभी टीना को भी ये बात नहीं पता थी कि अब कैसे अगर इसी तरह पानी अशुद्ध होता रहे तो उसको भी पानी नहीं मिलेगा, तब वो कैसे रह पाएगी। बिना पानी के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, मनुष्य का कोई भी जीव, सबको पीने के लिए साफ पानी चाहिए और मनुष्य की जो ज़रूरत होती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा होती है। मनुष्य को घर की सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कारखानों में भी पानी की, खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। और सही मायने में कहा जाए तो मनुष्य तो बाकी जीवों से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। और जब टीना चिंतित हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, अगर पानी अशुद्ध हुआ तो उसे एक दिन पानी मिलना बंद हो जाएगा, शुद्ध पानी उसे नहीं मिल पाएगा। तो जीटो समझ गया कि टीना अब दुखी है, चिंतित भी है। तो उसने बताया
उपाय, क्या उपाय बताया आप ध्यान से हम सुनेंगे। सीटों मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। उसने क्या बताया कि हमें जो तुम्हारे जो धरती के लोग हैं, मतलब मनुष्यों की बात की है उसने, कि इन्हें हमें पानी का जो इस्तेमाल है सावधानी से करना चाहिए। पूरी सावधानी का अर्थ है कि जैसे नल खुला ना छोड़ो, पानी बर्बाद मत करो। पानी कैसे बर्बाद होता है आपको पता ही है, EVS में आपने इसे किया हुआ है। बच्चे जो नल खोल करके वॉश बेसिन में ब्रश करते हैं और पानी फिर पूरा बह के बर्बाद होता जाता है। हमें पानी का सावधानी से इस्तेमाल कर, पीने वाला आकर के अगर आपको आधा ग्लास पानी पीना है तो आप आधा ग्लास ही पानी लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा ग्लास पानी ले लेते हैं, ज़रा सा पानी पीते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो एक एक बूंद कीमती है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि पानी की हर एक बूंद कीमती है। हमें लापरवाही से नल को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप गुजर रहे हो, आपको कोई नल खुला दिखे, तो हमें जल्दी से जल्दी उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस नल से शुद्ध पानी बर्बाद हो रहा है। तो ये सब सबको जागरूक होना चाहिए, केवल बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी। तो ये पाठ पढ़ करके टीना को पता चला, और क्या पता चला, कि तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है, तो अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। जहाँ आपने देखा होगा किसी जगह का अगर तालाब सूख जाता है, तो तालाब के आसपास के पेड़ पौधे, अंदर की मछलियाँ और तालाब में रहने वाले सारे जीव, यहाँ तक कि जो पानी पीने दो बाहर से जो जीव आया करते थे, जो पक्षी आके तालाब में पानी पिया करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, वे सब चले जाते हैं, तो जीवन ही खत्म हो जाता है। तो जल से ही जीवन होता है, अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। पशु पक्षी पौधे और धरती को, प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाए। तो उसने बताया सबको ज़रूरत होती, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, सबको जीवन जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की, पानी की। और इसी तरह अगर हम पानी को गंदा करते चले गए, पानी को बचाएंगे नहीं, उसको बर्बाद करते जाएंगे, तो क्या होगा, धरती से जीवन ही खत्म हो जाएगा। एक तरह से उसने टीना को सारी बात समझा दी, ये तो मनुष्यों के ही हाथ में है। अगर मनुष्य पानी का सही इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सावधानी के साथ, तभी धरती पर जीवन बचेगा, नहीं तो धरती से भी जीवन खत्म हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता। तो उसने कहा उसका जो रॉकेट था वो शुद्ध जल से चलता था, पानी से चलता था, शुद्ध जल से चलता था। तो उसने कहा कि पूरे सौरमंडल में, सौरमंडल आपको पता है सूरज और उसके 8 ग्रह, सोलर सिस्टम, सौरमंडल को इंग्लिश में कहा जाता है सोलर सिस्टम। तो सूरज और उसके 8 ग्रह, ग्रह को प्लैनेट कहा जाता है, तो सन और 8 प्लैनेट मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं, और हिंदी में सोलर सिस्टम को सौरमंडल कहा जाता है। तो सोलर सिस्टम को हिंदी में क्या कहा जाता है, सौरमंडल। इसमें सूरज रहता है और 8 ग्रह रहते हैं। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें हमारे सौरमंडल पे आसानी से जल मिल जाता है। किसी दूसरे ग्रह पे जाने से पहले जो जीटो था अपने रॉकेट में शुद्ध जल डालना चाहता था, क्योंकि वही उसका ईंधन था। ईंधन क्या होता है, जिससे कि कोई रॉकेट चलता है, और ईंधन में मिलावट नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए वो शुद्ध जल के तलाश में था, ताकि शुद्ध जल उसमें भर सके। अगर वो अशुद्ध जल डालता शायद उसका रॉकेट नहीं चल पाता, तो इसलिए बड़ी चिंता में था। तो उसने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ,
मैंने देख लिया आपके ग्रह में, तो आपके ग्रह पे अधिकतर जो जल है वो अशुद्ध हो चुका है, मैंने आपके साथ देखा था। अब उसको टीना को भी ये विश्वास था क्योंकि वो सच बोल रहा था। टीना खुद उसके साथ गई थी, कभी झील पे गई थी, कभी नदी पे गई थी, कभी कुएं पे गई थी, उसको शुद्ध जल नहीं मिला। तो ये सारी बात टीना ने बड़ी ध्यान से सुनी, कैसे जल की रक्षा की जा सकती है, जल का हमें रक्षा कैसे करना चाहिए, सावधानी से इस्तेमाल करके, नहीं तो जल अशुद्ध हो जाएगा, जल की शुद्ध जल की कमी हो जाएगी, और फिर पेड़ों को कैसे पानी मिलेगा, जीवों को कैसे मिलेगा, पशु पक्षियों को कैसे पानी मिलेगा, मनुष्यों को भी पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जल को सावधानी से खर्च करना चाहिए। अब सावधानी से कैसे खर्च करें भाई, तो इसमें बहुत से तरीके बताए हैं कि नल तभी चलाना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। ब्रश करते समय बच्चे पानी बर्बाद करते हैं, वे नल खोल देते हैं और फिर 5 मिनट में ब्रश करते हैं, तब तक पानी बह के नाली में बर्बाद हो रहा होता है, और ये पानी बड़ी मुश्किल से बनता है। नलों का जो पानी होता है शुद्ध पानी, उसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पानी तैयार होता है। तो उसका सावधानी से प्रयोग करेंगे तो हमारी धरती पर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो फिर क्या होता है, सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, टीना ने चौंक कर पूछा। तो टीना को भी आश्चर्य होता है, उसने सोचा कि शायद शुद्ध जल पिएगा, जीटो शुद्ध जल पीने के लिए मांग रहा है, लेकिन उसने बताया नहीं 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 मैं पीने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये तो मैं अपने रॉकेट के ईंधन टैंक में डालता, शुद्ध जल से ही उसका रॉकेट चलता था। नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। तो टीना को भी आश्चर्य, वो सोचा कि शायद वो उसे प्यासा लौटा रही है, वो पृथ्वी से पैसा प्यासा ही लौट रहा है, तो ये शर्म की बात है कि अगर कोई मेहमान हमारे घर में आए और हम उसे शुद्ध पानी ना दे पाएँ और वो प्यासा ही वापस चला जाए। तो इस कारण से टीना जरा ज़्यादा दुखी थी कि वह उसकी मदद नहीं कर पाई, और दूसरे ग्रह का जो प्राणी आया था वो बिना पानी पिए ही प्यासे ही अपने ग्रह पे जा रहा है, तो ये सही बात नहीं। इस कारण से भी टीना दुखी थी। लेकिन जब टीना को पता चला कि तुम्हें ये पानी पीने के लिए नहीं चाहिए, तो जीटो ने कहा हाँ मैं पानी मुझे पीने के लिए पानी नहीं चाहिए मेरा, लेकिन रॉकेट जो है वो शुद्ध जल से चलता है, मैं अपने रॉकेट के लिए ही पानी लेने आया था, और जो शुद्ध जल है वो मेरे रॉकेट में ईंधन का काम करता है। ईंधन मतलब फ्यूल, ईंधन किसे कहते हैं, फ्यूल। तो फ्यूल की ज़रूरत शुद्ध पानी के रूप में उनका इंजन चलता था। तो अब फिर क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। तो जीटो ने साफ बताया, नहीं साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था, टीना उतर गई और वह उदास थी कि जीटो की मदद नहीं कर सकी। कुछ तो उदास थी ही कि पानी नहीं दिला पाई, प्रयास तो उसने किया था, दोनों ने किया था, टीना ने भी किया था और जीटो ने भी प्रयास किया था, लेकिन उसे पानी न मिल पाया। अब जीटो वापस अपने ग्रह पे जा रहा था, जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ याद रखना तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सको। अब ये अंटार्कटिका कौन सी जगह है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र है जहाँ पे पेंगुइन्स रहती है। अंटार्कटिका कहाँ है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी गोल होती है, ये इसको उत्तर कहा जाता है और ये हिस्सा उत्तर, इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, और ये हिस्सा दक्षिण।
इसको साउथ कहा जाता है, इसको नॉर्थ कहा जाता है, NORTH नॉर्थ, इसको साउथ SOUTH साउथ। तो ये जो है अंटार्कटिका, यहाँ पे बच्चों पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ, ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल, तो ये बर्फ से जमा हुआ है, ये महाद्वीप जमा हुआ है, टोटल पूरा बर्फ से जमा हुआ है, और यहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँचे, और मनुष्य जब नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, पानी अशुद्ध भी नहीं करेंगे कोई, क्योंकि जो पानी जितना भी दुनिया में धरती पे जो भी पानी अशुद्ध होता है, मनुष्य ही अशुद्ध करता है, बाकी जानवर कोई अशुद्ध नहीं करता, क्योंकि बाकी जानवरों ने कारखाने और रासायनिक खाद और कीड़े मारने वाली दवाई वो तो डालना है नहीं, वे साबुन का प्रयोग करते नहीं, तो सारा जल जो है, तो यहाँ पे उसको तो जीरो यहीं पे गया था अंटार्कटिका, ये जो जगह है इसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये जो महाद्वीप है जमा हुआ, इतना हिस्सा जो है वो जमा हुआ है। यहाँ पे पेंगुइन आपने सुना होगा या देखा भी होगा, पेंगुइन भी रहते हैं। तो ये जगह क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका गया, अब भाई वहाँ पे शुद्ध पानी मिल गया, क्यों क्यों मिल गया शुद्ध पानी, कारण भी बता देते हैं, वहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँचा है, और जहाँ मनुष्य नहीं पहुँचता है वहाँ पे प्रदूषण नहीं होता है, जल शुद्ध ही रहता है, चाहे हवा हो चाहे जल हो, कोई भी प्रदूषण वहाँ या पोल्यूशन नहीं पहुँचता। मनुष्य जाता है तो हवा को भी प्रदूषित कर देता है, अपने साथ मशीनें लेके जाता है, रसायन लेके जाता है। तो जीटो ने भी बताया कि भाई टीना उदास ना हो, पृथ्वी से पानी तो वो लेगा ही, कहाँ से लेगा, अंटार्कटिका में उसे शुद्ध पानी मिल जाएगा। लेकिन उसने बताया भी कि अलविदा, जो जब लोग बिछड़ते हैं या मेहमान जाते हैं तो जो गुड बाय होता है उसे अलविदा कहा जाता है। उसने कहा अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। जीटो ने बताया चिंता मत करो, मैं पृथ्वी से ही पानी लूँगा, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंटार्कटिका, लेकिन तुम्हें अगर शुद्ध पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या तुम ग्लास लेके अंटार्कटिका जाओगी। तो एक तरह से वो चेतावनी भी दे गया, टीना को समझा भी गया कि याद रखना कि तुम हर बार अंटार्कटिका ग्लास लेके पानी, शुद्ध पानी लेने नहीं जा सकोगे, मेरे पास तो रॉकेट है, मैं तो वहाँ से ले लूँगा, लेकिन हर बार कहाँ। इसका अर्थ है कि मनुष्यों को तो जाते जाते न केवल टीना को सीख दे गया, सभी मनुष्यों को भी सीख दे गया कि हमें पानी का बड़े सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, उसे खर्च बड़े सोच समझ के करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे अशुद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो सारे जो जीव हैं बिना पानी के जीवित नहीं रह पाए। और एक तरह से वो अब टीना आश्वस्त हो गई थी, लेकिन उसे समझ भी आ गया था कि हम, उसे न केवल खुद समझ आ गया था, वो दूसरों को भी समझा सकेगी कि पानी का क्या महत्व है, क्योंकि ये बहुत सी बातें उसे भी नहीं पता थी, वो भी आपके उम्र की ही छोटी बच्ची थी, उसे भी ये, उसने भी कभी नहीं सोचा था कि पानी अगर अशुद्ध रहेगा तो मनुष्य या कोई भी जीवन ढंग से नहीं जी पाए। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। तो रॉकेट से शायद आग निकल रही होगी, आग की लपट निकल रही होगी, तो रॉकेट धीरे धीरे उड़ता है, किसकी छत से, टीना की छत से, और पीले गोले में बदला, शायद उसकी जो लपटें दिखती लगती, जब रॉकेट ऊंचाई पर जाता है तो केवल उसकी जो आग की लपटें दिख रही थी, और नीले आसमान में वो खो गया। तो रॉकेट दूर जिस ग्रह से आया था वापस चला गया, लेकिन जाने से पहले जीटो ने टीना को और सभी मनुष्यों को सीख दी कि हमें पानी का सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके लेखक हैं दिलीप एम सालवे, इस लेख को लिखने वाले थे दिलीप एम सालवे,
तो एक बार आपका गृह कार्य आज का है कि आप इसे इस पाठ का पठन अभ्यास करेंगे, शेष हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।